नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम झलक की। बाढ़ का संकट झेल रहे असम में जापानी इंसेफ्लाइटिस फैलने से 8 लोगों की मौत, 82 संक्रमित। वसुंधरा राजे को झटका, राजस्थान विधानसभा चुनाव में मोदी ही होंगे चेहरा, अमित शाह ने दी नसीहत। गुजरात के डोंग जिले में 50 यात्रियों को ले जा रही बस खाई में गिरी, 2 महिलाओं की मौत। तेलंगाना में भारी बारिश का रेड अलर्ट, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 128 गांवों से संपर्क टूटा। कानून मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान, कहा भारतीय अदालतों में करीब 5 करोड़ मामले लंबित। सिद्धारमैया ने शिक्षा मंत्री बीसी नागेश पर साधा निशाना, बीसी नागेश को बताया शिक्षा विरोधी। असम के नगांव में युवक को जिंदा जलाया, जनसुनवाई के दौरान वारदात को अंजाम देने का आरोप। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार, इसरो अध्यक्ष बोले नई नीति के तहत निजी संस्थानों को मिलेगी 100% निवेश की मंजूरी। राम सूरत राय बोले 80 विधायकों की सिफारिश पर तबादले किए मंत्री को, अगर स्वतंत्रता नहीं तो मैं पद के लिए ललालित भी नहीं। पंजाब में 4 इंजीनियर सस्पेंड, होशियारपुर में बारिश में बना रहे थे सड़क, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। संघ की प्रांत प्रचारक बैठक में कन्हैयालाल मर्डर की गूंज, प्रचार प्रमुख बोले मुस्लिम भी उदयपुर की घटना का सामने आकर विरोध करें। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में खुलासा, सिक्योरिटी कटौती, कत्ल की बड़ी वजह पता चलते ही गोल्डी ने फोन किया, फौजी काम कल ही करना है। मंत्रिमंडल विस्तार पर शिंदे ने पीएम से की चर्चा, मीडिया से बोले एमपीए में जुबान बंद और अस्तित्व खतरे में था इसलिए ये कदम उठाया। समान पोस्ट समान सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बेंच ने कहा पोस्ट और काम भले ही एक जैसा लेकिन सैलरी एक नहीं हो सकती। अमरनाथ हादसे में अब तक 16 की मौत, 35 घायल, एयरलिफ्ट का काम जारी, 1-2 दिन में फिर शुरू हो सकती है यात्रा। डॉक्टरों ने बताया मच्छर से बचाव का तरीका, मेरठ मेडिकल कॉलेज में संचारी रोग रोकथाम जन जागरूकता अभियान। फातिमा कॉन्वेंट पर चस्पा हुआ नोटिस, आरटीआई में की धांधली, अभिभावकों से बोले अल्पसंख्यक समुदाय का स्कूल है। मेरठ में धू धू कर खाक हुई केमिकल फैक्ट्री, फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाती रही, फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम फटते रहे। मथुरा में बेटे ने की थी मां की हत्या, लूटो मर्डर की, लिखवाई थी झूठी रिपोर्ट, पिता से चल रहा था विवाद।
चंदौली में नगर पालिका सभासदों ने ईओ के खिलाफ खोला मोर्चा। चेयरमैन बोले 67 लाख की लागत से बने पार्क में घूमते हैं अकेले। मैनपुरी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मायके वालों का आरोप दहेज के लिए करते थे परेशान, पीट पीट कर मार डाला। सास ससुर से झगड़े के बाद बहू ने लगाई फांसी। मृतका का पति गुजरात में करता है प्राइवेट नौकरी। देवर से प्रेम प्रसंग की कही जा रही बात। ग्रेटर नोएडा में तमंचे की नोक पर लूट। दुकान में घुसकर मनी ट्रांसफर, संचालक को गन पॉइंट पर लेकर की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। भदोई में एसपी ने किया बड़ा फेरबदल। 16 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के बदले कार्य क्षेत्र, तत्काल पहुंचने के दिए निर्देश। संभल में ट्रांसफार्मर फटने से बड़ा हादसा। मकान की छत पर सो रहे परिवार के 3 बच्चों सहित 6 लोग झुलसे, हायर सेंटर रेफर। बस्ती में डेटा एंट्री ऑपरेटर से मारपीट। बिना अभ्यर्थी के आए डीएल के लिए बायोमेट्रिक का बनाया दबाव। बिहार से आकर यूपी में करते थे चोरी। सिंचाई विभाग के निर्देशक की स्कॉर्पियो सहित 2 चोर अरेस्ट। ट्रेन से आते थे गाड़ियां चुराने। देवरिया में बेरोजगारों से फ्रॉड करने वाला गिरफ्तार। बैंक का लोन एजेंट बनाकर बेरोजगार युवकों से करता था लाखों की ठगी। रायबरेली में युवक की पिटाई का वीडियो आया सामने। युवक को कई लड़कों ने लात घूसों से मारा। गाली देने को लेकर हुआ था विवाद। मेरठ में भाजपा कार्यकर्ता को दिन दहाड़े मारी गोली। 2 मिनट में बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली ग्वालियर ट्रैक पर जल्द बिछेगी नई लाइनें। आगरा से 87 दिन तक चला 23 गांवों के किसानों का आंदोलन। रेलवे ने किया समझौता। महिला टीचर ने छात्र से की बर्बरता। पहले बुरी तरह से पीटा, फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मुंह में डाल दिया डंडा। सस्पेंड। हरदोई की सुखेता नदी में मिला युवक का शव। शराब के बकाया रुपए छीन कर हत्या करने की आशंका। पुलिस ने किया हत्या से इनकार। बिजनौर में परामर्श केंद्र ने 2 परिवारों को मिलाया। टूटने के कगार पर पहुंचे थे दोनों परिवार। 4 मामलों की हुई सुनवाई। देवर ने की फावड़े से काटकर भाभी की हत्या। नल पर मुंह हाथ धो रहा था, पीछे से देवर ने की एक वार और फरार। मैनपुरी में धोखाधड़ी करने वाला ठग गिरफ्तार। ठग से हार्ड डिस्क, बायोमेट्रिक मशीन, नकदी बरामद। पुलिस ने भेजा जेल। बस्ती में लेखपाल ने बंजर जमीन पर कराया कब्जा। युवक ने उठाई आवाज। एसपी ऑफिस के सामने सड़क पर धरने पर बैठा। नशे में धुत युवक ने बस ड्राइवर को पीटा। होमगार्ड पर बिना कार्रवाई के युवक को छेड़ने का आरोप। चालक परिचालकों ने किया हंगामा। मऊ में लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 70,000 रुपए और 2 बाइक बरामद। अमेठी के एसपी रात में बाजार शुक्ल थाना पहुंचे। गंदगी देखते हुए हुए नाराज। एसओ को लगाई फटकार। खाने की क्वालिटी देखी।
गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई, मथुरा पुलिस ने दो गैंगस्टर के खिलाफ की कार्रवाई, 1,90,00,000 की संपत्ति जब्त की। मुजफ्फरनगर में जबरन बंद कराया दलित की बारात का डीजे, बोले शोर से हमारे बकरे डर रहे हैं, लाठी डंडे भी चले, लड़की समेत 8 पर FIR। संभल में जीजा साले समेत 4 की मौत, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टकराई 2 बाइकें, 2 युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहे। अंबेडकर नगर में बस में धक्का लगाने का वीडियो वायरल, आजमगढ़ से लखनऊ जा रही थी, बंद होने पर यात्रियों से लगवाया धक्का। जौनपुर में रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट, जिला पंचायत सदस्य सहित 2 घायल, खेत में जेसीबी द्वारा मिट्टी निकलवाने का विवाद। मौसम बना यात्रा में बाधा, बद्रीनाथ और सोनप्रयाग सहित अलग अलग जगह पर फंसे 6,500 यात्री। सीएम धामी ने फोन पर की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात, उत्तराखंड के श्रद्धालुओं की मदद का किया अनुरोध। हाईवे बंद होने से बद्रीनाथ यात्रा थमी, सुरक्षित स्थानों पर रोके गए करीब 4,500 तीर्थ यात्री। उफान पर आई उत्तरकाशी में कमल नदी के तेज बहाव में बहा ग्रामीण, 5 किलोमीटर दूर मिला शव। बेहतर सुविधा के लिए राज्य स्तर पर बनेगी कमेटी, सीएम धामी ने दिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश। सीएम धामी का बड़ा फैसला, होटलों में सरकारी कार्यक्रम पर लगाई रोक, सोशल मीडिया पर प्रशंसा के साथ मिले सुझाव। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की लड़ाई पहुंची थाने, कैबिनेट मंत्री की छवि खराब करने का लगा आरोप। मानसूनी बारिश में कांवड़ियों को नहीं होगी कोई परेशानी, नालों की सफाई से जल भराव से मिलेगी निजात। उत्तराखंड में भयावह होता जा रहा है कोरोना, आज मिले 67 केस, संक्रमण दर भी उछाल। ट्रांसफर से नाराज फार्मासिस्ट का डॉक्टर, पशु चिकित्सा अधिकारी पर जानलेवा हमला, सिर फोड़ा कटका जहर, मौत हुई। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में गंगा के जलस्तर में चल रहा है उतार चढ़ाव, ऋषिकेश में चेतावनी निशान के करीब पहुंची गंगा। काठगोदाम से अल्मोड़ा तक रेल लाइन बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू, बैठक में वक्ताओं ने रेल लाइन जल्द बनाने की मांग की। उधम सिंह नगर में तेज बारिश के चलते नगर के कई इलाकों में जलभराव, दुकानों में घुसा पानी, लोगों ने किया प्रदर्शन। आपदा की आहट तो नहीं, मानसूनी बारिश से अलकनंदा, मंदाकिनी नदियों का बढ़ा जल स्तर, अलर्ट जारी। शादी के दिन बारात नहीं लेकर पहुंचा दुल्हा, दुल्हन के पिता ने कराया केस दर्ज, दुल्हे समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज मांगने और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों का आरोप, पुलिस ने ही लगाई प्रधानमंत्री के घर में आग, जबरन कैमरे भी बंद कराए।
12 जुलाई को होगा शिंजो आबे का अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि देने जापान जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। अमेरिका ने चीन पर साधा निशाना, कहा रूस का साथ देकर ड्रैगन ने दांव पर लगाई वैश्विक व्यवस्था। कनाडा के देश भर में इंटरनेट सेवा ठप, बैंकिंग, एयरलाइंस और नेटवर्क प्रभावित, यूजर्स हुए परेशान। श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार के लिए रास्ता साफ, पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने दिया इस्तीफा। श्रीलंका में विरोध के 116वें दिन जनता ने पलट दिया राजपक्ष परिवार का तख्ता, राष्ट्रपति आवास पर कब्जे के बाद गोटबाया देंगे इस्तीफा। युद्ध के 135वें दिन राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक्शन, भारत, जर्मनी समेत 9 देशों से यूक्रेन ने अपना राजदूत हटाया। अफवाह की वजह से हुई आबे की हत्या, हत्यारे ने कबूला शिंजो के धार्मिक समूह से जुड़ने की खबर मिली थी इसलिए मार दिया। चीन की हैकिंग से खतरा, अमेरिका, ब्रिटेन के खुफिया प्रमुखों का खुलासा, 4 साल में चीन ने दुनिया भर में जासूसी 7 गुना बढ़ाई। यूके में गूंज रहे आजादी के नारे, लोगों ने यूएन की गाड़ी रोककर कहा पाकिस्तान आर्मी गो बैक। सरकारी बैंकों में 5 साल में 50,000 कर्मचारी घटे, प्राइवेट में 1.13 लाख बढ़े, मर्जर और आउटसोर्सिंग बड़ा कारण। महंगी हुई टाटा की कारें, नेक्सन, टियागो और टिगोर सहित दूसरे पैसेंजर व्हीकल 0.55% महंगे हुए, वेरिएंट और मॉडल के हिसाब से बढ़ेंगे दाम। अडानी की टेलीकॉम सेक्टर में उतरने की तैयारी, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में हिस्सा ले सकता है अडानी ग्रुप, टेलीकॉम विभाग ने आवेदन जमा किया। आरबीआई गवर्नर का दावा, महंगाई से लोगों को जल्द मिल सकती है राहत, कहा बाजार आपूर्ति के दृष्टिकोण से सही दिखाई दे रहा है। अंडरवर्ल्ड से निकला डीएचएफएल घोटाले का कनेक्शन, छोटा शकील से जुड़े लोगों को पैसा भेजने का आरोप। एफबीआई की निकासी की रफ्तार घटी, जुलाई में अब तक 4,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। ईडी ने एमनेस्टी इंडिया और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, पीएमएलए कानूनों के उल्लंघन के मामले में दायर याचिका। कनाडा के क्रिप्टो प्लेटफॉर्म एफसीएफ पे पर शिबा, आईएनयू, बोन और लीशुएलिस्ट। फिनकेन ने अमेरिका में यूबी की सब्सिडियरी को दिया लाइसेंस, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग सहित अपराधों पर रोका जा सके। सीएनबीसी के जिम क्रामर ने कहा क्रिप्टो करेंसी अभी और नीचे गिर सकती है। जिम ने कहा एसेट की इस क्लास के पास कोई रियल वैल्यू नहीं। दूसरे T20 के मजेदार मोमेंट्स, रोहित से बोले पंत बॉलर को टक्कर मार दूं क्या, कोहली ने किया भांगड़ा और ड्रेसिंग रूम में एमएसजी। स्विंग के सुल्तान भुवी ने सांप की तरह लगाई गेंद, इंग्लिश ओपनर की कर दी बत्ती गुल।
साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज रिले रोसोव का कोहराम, जहां तहां लगाए शॉट, 6 गेंद पर 34 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स से बाहर होंगे रविंद्र जडेजा, टीम से जुड़े सारे इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट किए। ये दुख का ही खत्म नहीं होता, आउट होने पर सिर झुकाकर तेजी से पवेलियन की ओर चले कोहली। टीम इंडिया का टी20 सीरीज पर कब्जा, इंग्लैंड को दूसरे मुकाबले में 49 रनों से हराया, रोहित ने कप्तानी में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बटलर का धोनी अवतार, बिना स्टंप देखे बिखेर दी गिल्लियां, दिनेश कार्तिक की फुर्ती भी नहीं आई का। अलीना रिबकीना बनी विंबलडन चैंपियन, फाइनल में ट्यूनिशिया की ओस जैबुस को हराया। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने गॉल स्टेडियम घेरा, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया मैच के बीच स्टेडियम के बाहर पहुंचा लोगों का जत्था। लगातार फ्लॉप हो रहे विराट की मुश्किलें बढ़ी, रोहित द्रविड़ ने बदल दिया खेल का अंदाज, अब करनी होगी 160 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बैटिंग। भारत वापस लौटी आलिया भट्ट, एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार करते दिखे रणबीर कपूर, हॉलीवुड प्रोजेक्ट के लिए गई थी लंदन। रणबीर कपूर ने किया खुलासा, कपूर फैमिली में 10वीं पास करने वाले पहले लड़के हैं एक्टर, बोले पास होने पर मेरे घर वालों ने पार्टी की थी। राकेश बापट का ट्रोल्स पर रिएक्शन, शमिता शेट्टी संग ब्रेकअप को लेकर ट्रोल करने वालों को एक्टर ने दिया करारा जवाब। एक्स मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर बोली, अक्षय सर के साथ काम करने में घबराहट नहीं हुई, वो कहते हैं तुम 22वीं न्यू कमर हो। आर बाल्की ने दिया गुरुदत्त को ट्रिब्यूट, सनी देओल सर चुप का टीजर हुआ रिलीज, कागज के फूल बनाते दिखे दुलकर सलमान। पायल और संग्राम ने एक दूसरे को पहनाई वरमाला, जमकर नाचे बराती, घोड़ी पर बैठकर 15 मिनट में पहुंचे होटल। हिना खान ने शेयर किया डांस वीडियो, बादशाह और पायल देव के गाने तौबा पर किया डांस, सिंगर ने कमेंट में लिखा रिहॉट हिना। नेहा कक्कड़ का वायरल वीडियो, सिंगर ने पति रोहनप्रीत संग किया बर्थडे पार्टी में जमीन पर लेट कर नागिन डांस। पांच साल बाद झलक दिखला जा की होगी वापसी, युवराज हरभजन कर सकते हैं पार्टिसिपेट। बच्चे नहीं चाहती हैं रामचरण की पत्नी उपासना, पॉपुलेशन कंट्रोल बताई वजह, सदगुरु ने की उपासना के डिसीजन की तारीफ। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। डांस